नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारे यहाँ पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से दो पंचायतों के लिए पेयजल योजना का काम जो है वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में, यहाँ पर बहुत ही ये बड़े बड़े फिल्टर टैंक बनाए गए हैं और यहाँ से इन फिल्टर टैंकों से ये पानी जो है ये सीधा, ये बहुत ही बड़ा टैंक आप देख रहे हैं जो कि जिसकी कैपेसिटी जो है हज़ारों लीटर की होगी। तो इन फिल्टर जो है वो टैंकों से पानी यहाँ पर इस बड़े टैंक में आएगा और यहाँ से जो है पानी की सप्लाई ग्राम पंचायत खुशनगरी और ग्राम पंचायत भंजराड़ू के जो है विभिन्न गाँव तक पहुंचाई जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी परियोजना हमारे यहाँ पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग तीसा की ओर से चलाई जा रही है। हमारे यहाँ पर पानी की बहुत ही किल्लत रहती है, खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी ग्राम पंचायत खुशनगरी के बारे में। यहाँ पर जो है करीब 30 साल पहले एक पेयजल योजना का निर्माण किया गया था। उस वक्त जो है वो आबादी बहुत कम थी और वो पानी जो है लगभग ग्राम पंचायत खुशनगरी और ग्राम पंचायत ग्वाड़ी के तमाम गांव तक उस पानी की जो है वो आपूर्ति की जाती थी, लेकिन 30 सालों के बीच में जो है वो धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई तो पानी तो बढ़ा नहीं, पानी जितना था पानी उतना ही रहा और पानी की बहुत ही समस्या आ गई और साथ साथ में पानी का उपयोग भी बढ़ा, क्योंकि जिस प्रकार स्वच्छता मिशन चला और लोगों में एक चेतना आई, लोगों ने जो है वो शौचालयों का निर्माण किया, स्नानागार का निर्माण किया और एजुकेशन के साथ साथ जो है बहुत ही एक बड़ी क्रांति आई और पानी के उपयोग में उपयोग की जो है वो एक ज़्यादा जो है वो पानी का उपयोग होने लगा। और यहाँ पर हमारे जो एक पानी के जल स्रोत हैं वो भी नहीं हैं, बहुत ही कम पानी के जल स्रोत हैं, बहुत ही दूर दराज से पानी लाया जाता है। तो ये पानी जो है वो कई किलोमीटरों की दूरी से जो है ये विभाग इस पानी को यहाँ तक पहुँचाएगा और जो है ये धीरे धीरे लगता है कि आने वाले कल में ये पानी की जो ये समस्या हमारी ग्राम पंचायत खुशनगरी की और ग्राम पंचायत भंजराड़ू की ये जल्द ही जो समस्या है ये दूर होने वाली है, क्योंकि इस पेयजल योजना का काम जो है ये बड़े ही सुचारू रूप से यहाँ पर विभाग ने जो है वो ठेकेदार को दिया और ठेकेदार भी इस काम को बढ़िया सुचारू रूप से कर रहे हैं, कंटिन्यू निरंतर इस काम को किया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं जल से ही अपना कल है, इस पर निर्भर जीवन अचल है, इस तरह के यहाँ पर स्लोगन भी जो है लिखे गए हैं। ये दूसरा है हर बच्चा बूढ़ा और जवान पानी बचा कर बनो महान, तो इस तरह के यहाँ पर जो है ये जल जीवन जो ये मिशन है इस मिशन के तहत भी यहाँ पर वॉल राइटिंग भी ज़बरदस्त की गई है और यहाँ पर इस पानी की जो है आजकल इन टैंकों की जो फिटिंग कर रहे हैं, आजकल फिटिंग का काम चल रहा है, इन फिल्टर टैंकों से जो है ये पानी जो है बड़े टैंक के लिए इस फिटिंग का काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे इंजीनियर यहाँ पर लगे हुए हैं, श्री पीसी भारद्वाज जी जो कि काफ़ी बड़े इंजीनियर हैं, बिल्कुल एकदम टेक्निकल काम कर रहे हैं ज़बरदस्त और यहाँ पर पूरा जो है ये वेल्डिंग द्वारा ये काम जो एकदम पक्का काम किया जा रहा है, ये देखिए ज़बरदस्त वेल्डिंग, क्योंकि पानी की लीकेज की कोई भी संभावना नहीं है। तो ये हैं हमारे जो है इंजीनियर श्री पीसी भारद्वाज जी, भारद्वाज जी से भी आपकी मुलाकात करेंगे। भारद्वाज साहब नमस्कार। नमस्कार भारद्वाज साहब, लगता है शर्मा रहे हैं। भारद्वाज साहब शर्माना नहीं है, क्योंकि क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये, तो चलो लगता है भारद्वाज साहब कभी मूड नहीं है, अगली वीडियो में आपसे ये खुल के बातचीत करेंगे, खुल के रूबरू होंगे। तो ये थे हमारे श्री पीसी भारद्वाज जी, तो ये एक जानकारी के लिए वीडियो में आप तक पहुँचा रहा हूँ। सभी सुनने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय चुरा।